Assalamualaikum, नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू माई चैनल फराह खान दिल्ली वाली। इतना सारा जो ताम झाम लेकर मैं खड़ी हुई हूँ, एक बैग दो बैग, तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ जॉर्जिया, और जॉर्जिया बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे वहाँ जाने का, तो माई बर्थडे इज़ कमिंग, तो सोचा है कि हम अपना बर्थडे सेलिब्रेशन जॉर्जिया में करें। और जॉर्जिया जो है दुबई से 3 आवर्स की फ़्लाइट है और इंडिया से 5.5 आवर्स की फ़्लाइट है। और जॉर्जिया जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी, और होटल्स आप कैसे सर्च कर सकते हैं, जो टिकट प्राइस है वो क्या है, और जो सीज़न है बेस्ट मंथ है वहाँ जाने का वो क्या है, तो एक कंप्लीट पैकेज जॉर्जिया का इस व्लॉग के थ्रू आप जान पाएंगे। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो ये जॉर्जिया सीरीज़ जो मेरी होने वाली है ये ज़रूर देखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप जॉर्जिया जाएं तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम, यानी जहां हम जा रहे हैं वहां की करेंसी हमारे पास होनी चाहिए। तो जॉर्जिया की करेंसी को लारी कहते हैं। एक लारी को अगर हम इंडियन रुपीज़ में काउंट करें तो बनेगा 31 रुपये, और अगर हम एक लारी को यूएई करेंसी से काउंट करें तो बनेगा 1 दिरहम 38 फिल्स, यानी लारी की वैल्यू दिरहम से थोड़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं वीज़ा की। अगर भारतीय नागरिक जॉर्जिया जाना चाहते हैं तो उन्हें ई वीज़ा अप्लाई करना होगा, जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, और आपका जो वीज़ा है वो 30-90 डेज तक वैलिड होता है। और मैं अपनी बात करूं तो मैं यूएई रेसिडेंट हूं, और यूएई रेसिडेंट होने का मुझे ये फ़ायदा मिला कि जो यूएई है वो उन 98 कंट्रीज में से एक है जहां के लोग वीज़ा फ्री जॉर्जिया ट्रैवल कर सकते हैं, यानी मुझे वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया, और 3 घंटे की बहुत बहुत खूबसूरत जर्नी के बाद हम लोग पहुँचे जॉर्जिया की कैपिटल तबलीसी। तबलीसी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी काम किया, वो ये कि हमने जॉर्जिया घूमने के लिए एक कार रेंट पर ली। दोस्तों, तो हम तबलीसी पहुंच चुके हैं, और यहाँ आने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अभी एक हफ्ते यहाँ पर हैं तो हम लोग कार रेंट पर लेंगे, और कार से ही पूरा जॉर्जिया एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि रोड बहुत अच्छे हैं, वेदर बहुत कमाल का है। ये देखिए आप, एकदम स्काई क्लीन है, रोड बहुत खूबसूरत है। ये सैफी गाड़ी चलाकर देख रहे हैं कि ये बाहर से तो ठीक दिख रही है, बट चलाने में कैसी है। सो आई वुड से कि अगर आपको ड्राइव करना पसंद है तो आपको कार रेंट पर लेनी चाहिए। इसके 2 बड़े फ़ायदे हैं। पहले ये कि आपको कार रेंट पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। दूसरा ये कि खुद ड्राइव करके जो जॉर्जिया देखने का मज़ा है वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। एयरपोर्ट से होटल पहुंचने में हमें तकरीबन आधा घंटा लगा, और ये था हमारा होटल रेडिसन, जो हमने booking.com के थ्रू बुक किया था। और दोस्तों, जहां पर ये होटल था वो लोकेशन बहुत अच्छी थी। ये आप देखिए, ड्रोन फुटेज के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ कि लोकेशन कितनी अच्छी थी। एकदम सेंटर पॉइंट जो था तबलीसी का, यानी किसी भी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर चलने की ज़रूरत नहीं थी, सारी फैसिलिटीज़ आपके पास में थी। और ये देखिए, ड्रोन फुटेज के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो तबलीसी शहर है वो कितना खूबसूरत है, और इसी खूबसूरती के बीच में था हमारा होटल, जहाँ पर रोज़ हम सुबह उठकर ये हसीन नज़ारा देखते थे। Thank you.
होटल आने के बाद बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए हम पहुंचे ब्रेकफास्ट के लिए और ब्रेकफास्ट को देखकर मज़ा आ गया। क्या नहीं था वहाँ पर, सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब चीज़ें फ्रेश थी, क्योंकि जॉर्जिया में फ्रूट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, चीज़, वेजिटेबल्स, यानी कि खाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और वो सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद मज़ा आ जाता था। अगर हम बात करें बेस्ट टाइम टू विजिट जॉर्जिया, तो मैं आपको बोलूंगी कि मई, जून एंड सितंबर, ये जो महीने हैं, ये जॉर्जिया घूमने के लिए बेस्ट हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। तो ये जो खूबसूरत प्लीजेंट वेदर है, ये आपकी जर्नी को और ही अच्छा बना देता है। जॉर्जिया की एक अच्छी बात यह है कि बाकी यूरोपियन कंट्री की तरह बहुत महंगी नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसी खासियत हैं जो आपको मजबूर करेंगी कि आप जॉर्जिया एक बार जरूर घूमें। और वो क्या क्या ऐसी चीजें हैं, वो इस सीरीज के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल फराह खान दिल्ली वाली जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। Sir,